हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि रेलवे में जॉब आप कैसे पा सकते हैं, रेलवे में जॉब पाने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में जानेंगे और जो एग्जाम होता है रेलवे की तरफ से, तो जो रेलवे की तरफ से एग्जाम होता है तो उसमें कट ऑफ क्या जाता है, आपका क्या नंबर आने चाहिए उसमें और कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं और मिनिमम क्वालिफिकेशन और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये सारी डिटेल में हम जानने वाले हैं इस वीडियो को। यदि आप पूरा देखोगे तो आप कंप्लीट क्लैरिफाई हो पाओगे कि आप यदि रेलवे में जॉब लेना चाहते हैं, पाना चाहते हैं तो आप एबल हैं या नहीं है। ये आपका ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन यदि आप चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, अगर हम मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका मिनिमम 10th होना चाहिए ग्रुप डी ग्रुप सी लेवल जॉब के लिए। अगर 10th के साथ साथ यदि आपका ITI भी है दोस्त, ये बहुत ही बेहतरीन है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर आपका टेक्नीशियन में जॉब लगने का चांस होता है। जैसे कि लोको पायलट हो गया, जैसे कि दोस्त पॉइंट मैन हो गया, आपका टेक्नीशियन में जॉब लगने के काफी चांस होते हैं। यदि आपका ITI भी है तो आपका टेक्नीशियन में ही लगता है, ये मान लीजिए। अब दोस्त, अगर हम बात करें यदि आपका डिप्लोमा है डिग्री है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पर रेलवे ने साफ साफ बोला है कि यदि आप ग्रुप डी के लिए भर रहे हैं तो 10th के बाद ITI है तो इतना सफिशियंट है, ठीक है। यदि आपका डिप्लोमा डिग्री है तो आप भरेंगे, लेकिन आप जो है 10th बेस से या फिर ITI बेस में या डिप्लोमा बेस में भर सकते हैं, लेकिन यदि आप डिग्री कर रखे हैं तो डिग्री बेस में यहाँ पर इस बार शायद अलाउड नहीं किया जाएगा। और दोस्तों, अगर बात करेंगे, अगर आपकी डिग्री है और आप रेलवे में जॉब पाना चाहते हैं तो फिर आपको NTPC लेवल के लिए ट्राई करना चाहिए, जैसे कि RRB ग्रुप डी का नहीं, बल्कि आप RRB NTPC के लिए ट्राई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ग्रेजुएट वेनों को ही यहाँ पर हायर किया जाता है और यहाँ पर भी एग्ज़ाम होता है फर्स्ट चरण में, सेकंड चरण में और उसके बाद होता है दोस्त इंटरव्यू। यदि आप इन तीनों को क्रैक कर लेते हैं तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है स्टेशन मास्टर के रूप में या फिर किसी अच्छी पोस्ट में आपका सिलेक्शन हो जाता है। आई होप आप क्लियर हो पाए होंगे कि रेलवे में जॉब पाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। अगर आप कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ दोस्त यहाँ पर 100 नंबर अगर पेपर है तो 70-75 नंबर का कट ऑफ जरूर जाता है, आप इतना नंबर तो लाना ही पड़ता है। सब्जेक्ट की बात करें अगर तो दोस्त सब्जेक्ट यहाँ पे मैथ रीजनिंग GK GS और दोस्त करंट अफेयर इतना आपको तैयार रखना पड़ता है, तभी आप अच्छे नंबर गेट कर सकते हैं। थैंक यू चैनल विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।